मेरे साथ डॉक्टर नवल किशोर हैं, जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी आई है नीतीश कुमार की सरकार को लेकर शेल्टर हाउस कांड में, उसी को लेकर आरजेडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट से अब न्याय की उम्मीद बढ़ गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो शुरू से इस बात को मान रहा है कि राज्य सरकार की इसमें भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है। वो चाहे उस मामले पर FIR करने से लेकर या मंजू वर्मा के हस्बैंड को गिरफ्तार, अब तो गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जिस तरह से ये केस चल रहा है इससे पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि केस शुरू से ही इसको कमजोर करने का कोशिश किया गया राज्य सरकार की तरफ से। यही तो कारण है कि वो बोल रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वह उसकी भूमिका इसमें संदिग्ध है। और यह बात हम लोग भी शुरू से कह रहे हैं, जिस तरह से इस केस में दो महीना टाइम लिया गया FIR करने के लिए, फिर उसके बाद मंजू वर्मा को बचाने का प्रयास किया गया, जब दबाव पड़ा तो इस्तीफा दिया उन्होंने, इस्तीफा देने के बाद उनके हस्बैंड का नाम आया कॉल डिटेल में, वो भी भागते रहे, उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। और हम लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर के रूप में भी नीतीश कुमार हैं, वो मात्र CM नहीं है, इसलिए पुलिस का फेलियर जो है वो डायरेक्टली CM का फेलियर है। इसलिए हम मांग करते हैं कि भाई वैसे व्यक्ति को जिसका पुलिस प्रशासन एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, जिनकी पत्नी उनके पार्टी में है, उनके साथ मिनिस्ट्री में है, तो फिर उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये डबल इंजन वाली सरकार पर आपको भरोसा है? उस सरकार में तो इस्तीफा होता नहीं है, तो क्या करेंगे बाबू? देखिए, डबल इंजन में ऐसे भी रेलवे, किसी भी रेलवे अधिकारी से बात कीजिएगा तो अगर जहां भी दो इंजन लगाया जाता है वो दोनों कमजोर ही इंजन होते हैं, जो मजबूत इंजन होता है वो एक ही इंजन काफी होता है। इसलिए डबल इंजन तो पहले ही जो उनका कहना था या कथन था उस समय भी शक हो गया था कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये अपने इच्छाओं को पूर्ति करने वाली सरकार है, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है कुछ ऐसे कुकर्म करने में जिसके कारण ये साथ रहना चाहिए। क्या क्या लगता है वो कुकर्म क्या हो सकता है? देखिए, एक तो बहुत बड़े स्तर पर जो घोटाला हुआ है सृजन में, जिसमें कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सुशील कुमार मोदी, चीफ मिनिस्टर के रूप में नीतीश कुमार, और 8,000 से ज्यादा करोड़ का जो घोटाला हुआ उसमें अभी तक वो चीज़ नहीं दिखी है जो दिखनी चाहिए। सारे लोगों को मालूम है कि इसमें कहीं ना कहीं दोनों का मिली भगत है, दोनों की भूमिका है, और यही कारण है कि इनको एक साथ रखे हुए हैं। और दूसरा, जो मुजफ्फरपुर का कांड हुआ इसमें भी दिख रहा है कि दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव जी के लिए लोगों में लगातार सिंपैथी बढ़ रही है, और लोगों को पता चल गया, आप तो CBI के खुद प्रमुख ने कहा कि उनको फंसाया गया है, क्या ये आप लोगों का 2019 में पॉलिटिकल एजेंडा होगा, राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे इसे? नहीं, वो तो देखिए हम लोग शुरू से ये बात कर रहे हैं, आज तो यह बात CBI के शीर्ष अधिकारी के तरफ से आए हैं, लेकिन ये बात तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। और बिहार के जन विमर्श में ये लोगों को पहले से ही मालूम है कि कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत लालू जी को फंसाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने बिहार में एक ऐसा योगदान किया है, एक ऐसा परिवर्तन लाया है जहां पर लोकतंत्र के असली मायने देखे गए, उस व्यक्ति को फंसाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया, ये तो एक एक व्यक्ति को बिहार में मालूम है। इसलिए जहां तक सहानुभूति की बात है, वो सहानुभूति लोकतंत्र व्यक्ति के लिए है जो कि लालू जी के रूप में स्थापित है। क्या लग रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव की अभी पेशी हो रही है, राबड़ी जी पर केस दर्ज है, क्या ये सब, इसको मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये राजनीतिक एजेंडा बनेगा, पॉलिटिकल मुद्दा होगा, क्योंकि अब तो साफ हो गया है कि SC ST OBC नेताओं को फंसाया जाता है? देखिए बिल्कुल, उसमें एक बात ये भी माननी चाहिए आपको कि IRCTC एक ऐसा केस है जिसमें बिना FIR के यह केस को आगे बढ़ाया गया, इसमें फंसाने का कोशिश किया गया। क्या लगता है सर, BJP क्यों डरती है लालू प्रसाद यादव से? देखिए, लालू प्रसाद यादव से डरने का मुख्य कारण यह है कि जो राजनीति BJP करती है उसका सीधा प्रहार करने की क्षमता और लोगों तक पहुंचने की क्षमता लालू यादव में है, और उन्होंने दिखाया है। जब आडवाणी के रथ को रोककर उन्होंने पूरा देश और विदेश में संदेश दिया कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए लालू यादव कमिटेड व्यक्ति हैं, और एक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया, उन्होंने अपने सीट की चिंता नहीं की, अपने चीफ मिनिस्टरशिप की चिंता नहीं की, लेकिन वो लोगों के साथ खड़े रहे और इनसे कभी कंप्रोमाइज करने का कोशिश नहीं किया। क्या यादव फैमिली पर अभी भी डर है कि उनको उनमें से किसी और को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है? नहीं, देखिए, डर तो न लालू जी डरते हैं, न लालू परिवार डरता है, न राजद परिवार डरता है। आज के डेट में मुखर रूप से
संघ और भाजपा के इस तरह के अधिनायकवादी सरकार का खुले तौर पे मुकाबला करने के लिए, वो चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, कहीं पे आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता सामने खड़ा है। इसलिए हम न पहले डरे हैं न अभी डरते हैं किसी भी स्थिति में। नीतीश कुमार जी 600 किलो बिरयानी बनवा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोगों को बिरयानी नहीं चाहिए, लोगों को आपका कमिटमेंट चाहिए। वो कमिटमेंट आप जनादेश चोरी के साथ खो चुके हैं। खाना पर राजनीति चले, ऐसी इतिहास और ऐसी परंपरा बिहार की राजनीति में नहीं रही है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को मौका दिया है, भगवतिया देवी को मौका दिया है जिन्होंने पत्थर तोड़ने का काम किया, वैसे व्यक्ति को मौका दिया है जो मुख्य धारा में आने की कभी सोच नहीं सकता था, वैसे व्यक्ति को इतना प्रचंड बहुमत देकर भेजा जो देखने लायक है। इसलिए बिरयानी का कोई सवाल नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो कमिटमेंट। आप लोग की सोशल इंजीनियरिंग कायम रहेगी? हम लोग सोशल इंजीनियरिंग नहीं करते, हम लोग सोसाइटी के साथ खड़े हैं, सोशल जस्टिस के हैं। इंजीनियरिंग तो वो करता है जिसको कहीं कुछ छुपाना होता है, तकनीक के सहारे जो कि पर्दे के पीछे करने हैं। हम सामने में बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं और हमारी राजनीति लोगों तक पहुंचती है। और इसीलिए लालू जी लोगों के मन से नहीं निकल पाते हैं, चाहे उनके खिलाफ में कितने भी बड़े साजिश हों, लेकिन वो जनता के मन से नहीं। जीतनराम मांझी आपके पाले में जा चुके हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है। देखिए, उपेंद्र जी लगातार, देखिए वो जो राजनीति कर रहे हैं पिछले 6 महीना 1 साल से, उसमें कुछ समानता हमारे पार्टी से दिखती है। जैसे न्यायपालिका में आरक्षण की मांग करते हैं, कानून व्यवस्था जो नीतीश कुमार की चरमराई हुई है उस पर सवाल खड़ा करते रहते हैं और शिक्षा व्यवस्था जो कि चौपट है वो उनके साथ हम खड़े रहते हैं। तो हमारी राजनीति में समानता है, इसलिए अगर वो आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जमीन पे अगर राजनीति उनकी साथ है तो हमें लगता है कि उनको इस तरह का विचार। कहाँ से इतनी ताकत मिलती है भाई, जिस दौर में सारे लोग सत्ते में है, तेजस्वी यादव खुल के बात कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ? देखिए, तेजस्वी यादव इसलिए बात कर पा रहे हैं कि उनकी कमिटमेंट जो जनता के साथ है, बिहार के युवाओं के साथ है, देश के राजनीति में है, वो स्पष्ट है। उन्होंने कभी पीछे बात नहीं की, जिस बात को, जिस मुद्दे पर उनको अपनी बात रखनी है जनता के सामने स्पष्ट रखा। उन्होंने जब बात अपनी रखी पहली बार विधानसभा में, तो नीतीश कुमार ने पूरी कोशिश की कि वो जनता तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो पहुंचे। और उसके बाद जो उन्होंने जनादेश अपमान यात्रा किया या जो संविधान बचाओ न्याय यात्रा किया, इस तरह के अभियान के माध्यम से वो जनता तक पहुंचने का कोशिश किए और उसको जनता पसंद की, इसलिए कि वो साफ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, वो किसी षड्यंत्र के पात्र नहीं थे, वो खुले तौर पे बिहार के जनता के साथ खड़े हुए थे, जनादेश के साथ खड़े थे, इसलिए लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से मीडिया में आप पारिवारिक कलह को एजेंडा बनाया जा रहा है, उससे कैसे निपटेंगे आप लोग? या देखिए, पारिवारिक कलह की कोई बात इसमें नहीं है। और जहाँ तक आपको मैं बताऊं कि परिवार राजनीति में के बीच में कभी नहीं आएगा। जो परिवार है, परिवार का व्यवस्था एक अलग है, राजनीति की व्यवस्था अलग है। अगर आप परिवार की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री से पूछनी चाहिए। अगर उनके घर का पता पूछा जाए कि उनके घर के जो दूसरे व्यक्ति उनके जीवन संगनी हैं कहाँ हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे। ऐसे कई मामले हैं भारतीय राजनीति में। इसलिए निजी सवालों पर ना हम लोग कभी किसी के निजी जीवन में झांकने की कोशिश किए हैं, नहीं हम लोग चाहेंगे कि लोकतंत्र में निजी घर। लेकिन मीडिया तो मुद्दा बना रहा है ना तेज प्रताप यादव? लेकिन मीडिया मुद्दा बनाने का पूरा कोशिश किया, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने भी कोशिश किया, लेकिन जहाँ तक उनको पता चल गया कि यह मुद्दा पारिवारिक है और परिवार के पास इतनी क्षमता है कि उसको सुलझा लेंगे, इसलिए उसमें हमें लगता है कि राजनीतिक स्तर पर कोई बात। एक तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि उनके कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, क्या लग रहा है उसको लेकर भी आप लोग इसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ले जाएंगे? नहीं, उसको इसलिए हम लोग लाए थे कि जब आपको अपने पड़ोसी से जो आपके साथ सदन में रहते हैं उन पर आपको भरोसा नहीं है, वहाँ पे आप निगरानी रखते हैं, निगरानी तो उनकी होनी चाहिए ना जिसके साथ, जैसे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में आपको लगाना चाहिए था, जहाँ पे रेप की घटनाएं हो रही हैं वहाँ लगाना चाहिए था, जहाँ पर आए दिन AK-47 से हत्याएं हो रही हैं वहाँ पे लगाना चाहिए। वहाँ पे आपका पूरा सर्विलांस सिस्टम फेल है और आप बगल में जो कि एक राजनीतिक पद पे है, एक संवैधानिक पद पे है, उसको निगरानी में रखना चाहते हैं, उससे हमें समस्या थी और हमें लगता है कि उसका निदान उन्होंने किया। जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट के शेल्टर हाउस मामले में टिप्पणियां आ रही हैं, प्रतिक्रिया आ रही है, पहली बार नीतीश कुमार जो सुशासन का जिनको क्रेडिट दिया जाता था वो बैकफुट पर हैं, और तेजस्वी यादव को लेकर लगातार क्रेज बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने एक्टिवनेस दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को हर मुद्दे पर घेरा, इससे साफ है कि 2019 में आपको बिहार में अलग परिणाम दिखेंगे
और तेजस्वी यादव से लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, वहीं लालू यादव के लिए जिस तरह से सिंपथी सहानुभूति लोगों में पैदा हो रही है, सबको अब साफ साफ लगने लगा है कि राजनीतिक वजह से लालू यादव को बदनाम भी किया गया और आखिर में जेल में डाल दिया गया। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।